अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आलियास कुज़ीन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर पफ पैटीज़ की रेसिपी, जिसको बिल्कुल हम बेकरी स्टाइल बनाने वाले हैं। ये एकदम क्रिस्पी करारी और ढेर सारी लेयर्स वाली पफ पैटीज़ हमने तैयार की है बाटी वाले ओवन में। तो हमें इसको बनाना किस तरह है देख लेते हैं। यहाँ पर एक बाउल में हम 2 कटोरी डाल लेंगे मैदा। इसके हम डो तैयार करना है, जो पफ पेस्ट्री का पफ होता है वो इसी से बनता है। मैदा डालने के बाद हम 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल देंगे। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम इस मैदे को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें अच्छे से ऑयल और जो हमने सॉल्ट डाला है अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम पानी डालते हुए इसको गूंद लेंगे। जिस तरह हम रोटी का आटा गूंदते हैं, इसी तरह से हमें इसको गूंदना है पंच लगाते हुए। बस इसमें फ़र्क ये होगा कि इसका जो आटा होता है थोड़ा सा हार्ड होता है। तो देखिए, इसका एक हार्ड सा मैंने डो यहाँ पर तैयार कर लिया है। इसको अच्छे से गूंदकर हमें रखना है लगभग 30 मिनट के लिए कवर करके। तो यहाँ पर हम इसे कवर करके रख देते हैं 30 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए, हमारा जो आटा है यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं रखे हुए। अब हम एक बार फिर से इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे। इसी से हम पफ तैयार करने वाले हैं। और अब हम इसकी एक बड़ी सी लोई तैयार कर लेंगे। तो इसकी हमने एक लोई तैयार कर ली। अब जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और इसके बाद हम थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर देते हैं, यहाँ पर मैदा छिड़क देते हैं। और इस पर हमें रखना है इस लोई को, और इसको हम रोल आउट कर लेंगे। तो एक बड़ी सी हम रोटी तैयार कर लेंगे इसकी। यहाँ पर हमें इसको बेलना है अच्छे से। तो देखिए, इसकी एक बड़ी सी रोटी तैयार कर ली है मैंने। और इसको हमें थोड़ा सा मोटा रखना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर मार्जरीन लेंगे। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी हो तो आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे चैनल पर जाके इसको देख सकते हैं। अब मार्जिन लेकर हम इस पर अच्छे से रोटी पर स्प्रेड कर लेंगे। तो हमें इसके चारों तरफ अच्छे से मार्जिन को फैलाते हुए लगाना है। हम हाथों की मदद से इसको लगा लेंगे तो ये बहुत ही ईजीली इस पर लग जाएगा। अब हमें इसे लेयर्स देना है, तो इसको फोल्ड करना होगा। तो हम इसके एक पार्ट को उठाकर इस तरह से रखेंगे, और इसके ऊपर हम इसके दूसरे पार्ट को ऐसे फोल्ड कर देंगे। इसको हम स्ट्रेच करते हुए बराबर कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से लेयर्स आती हैं। हम इसी तरह से इसको रिपीट करेंगे 3-3 बार, तभी जो हमारी पफ पेस्ट्री होगी ये बहुत ही अच्छी बनेगी, क्रंची सी और बहुत अच्छी, बहुत सारी लेयर्स आएंगी इसमें। इसके ऊपर भी हम मार्जिन लगा लेते हैं। और इसको भी हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। एक पार्ट को हम ऐसे रख देंगे, दूसरे को हम ऐसे फोल्ड करके इन दोनों को हमें मिलाते हुए फोल्ड कर देना है। देखिए, बहुत ही अच्छे से इसको हमने लेयर्स दे दी हैं। अब हम इसको सेट करने के लिए 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे कवर करके। और इस स्टेप को हमें 3 बार इसी तरह से करना है रिपीट। हर बार हम 30 मिनट के लिए इसको रखेंगे फ्रिज में। यहाँ पर हम स्टफिंग के लिए एक पैन रख देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल शामिल कर देते हैं। इसको हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। जैसे ही ये थोड़ा गर्म हो जाएगा, हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा क्रेकल होने देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम एक बड़ी प्याज स्लाइस की हुई डाल देते हैं, और इसको चला लेते हैं हम, ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए।
इसके साथ ही हम यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर देंगे इसमें, 2 से 3। इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं हम। अब यहाँ पर हम 1 टीस्पून डाल लेंगे ब्लैक सॉल्ट, नमक ऐड कर लेते हैं हम अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा डाल लेंगे हम हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे जितनी स्पाइसनेस रखना हो उसके हिसाब से। 1 टीस्पून हम डाल देते हैं इसमें भुना ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे हम गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे अमचूर पाउडर। और अब इन सभी ड्राई मसालों को हमें थोड़ा सा भून लेना है। इसमें बिल्कुल भी हम पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे क्योंकि स्टफिंग हमें एकदम ड्राई ही रखना है। हरा धनिया ऐड कर देंगे इसमें बारीक कटा हुआ, और इसको भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। ये मसाला इसमें जो स्टफिंग का हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। तो आप अगर इस पनीर की जगह चाहें तो आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो सौ ग्राम हम पनीर ले लेंगे और इसको छोटे पीसेस में हम काट लेंगे। पनीर भी ऐड कर देते हैं इसमें। पनीर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम मसालों के साथ थोड़ा सा कुक कर लेते हैं लगभग 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से मसाले के फ्लेवर पनीर के अंदर आ जाएं और पनीर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमारी जो स्टफिंग है ये बनकर रेडी है। इसको निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में और ठंडा कर लेते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमने जो पफ पेस्ट्री के लिए डो तैयार करा है ये रेडी है। इसको हमने 3 बार रखा था और इसी तरह से फोल्डिंग करके इसको हर बार 30 मिनट के लिए हमने फ्रिज में रखा था। ये अगर मैं वीडियो आपके साथ शेयर करती तो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने आपसे लास्ट की जो वीडियो है ये शेयर की है। तो यहाँ पर लास्ट में हम इसको इस तरह से फिर से मैदा स्प्रिंकल करते हुए बेल लेंगे। तो हमें इसे अच्छे से बेलना है, देखिए थोड़ी मोटाई में ही इसे रखना है। और अब हम इसकी चारों तरफ से इस तरह से किनारों को अलग कर देंगे। ताकि जो पफ बनाएंगे हम इसकी लेयर्स जो हैं अच्छे से खुलकर आएं, इसलिए हमें इसको अलग निकाल देना है। और आपको जिस भी शेप में चाहिए पनीर पफ पेस्ट्री तो आप उस शेप में इसको कट कर सकते हैं। तो मैं इसको 2 शेप में बनाने वाली हूँ। तो इसको इस तरह से लंबाई में मैं काट लूँगी। तो हम इसे कट कर लेते हैं। एक मैं पॉकेट शेप में बनाने वाली हूँ। तो पहले हम एक पॉकेट को काटेंगे। इसके बाद हम इसको रखकर इस तरह से काट लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से इसके पीस बिल्कुल इक्वली कट जाते हैं, सभी एक शेप के आते हैं इसमें, एक ही साइज़ के बनते हैं। तो यहाँ पर ये तैयार कर लेंगे हम। और दूसरे को मैं इस तरह से बनाने वाली हूँ, जिस तरह से बेक समोसे वगैरह के शेप होते हैं, तो इस तरह से काट लेंगे हम। तो यहाँ पर तैयार कर लिया है हमने। अब हमें इसमें स्टफिंग फिल करना है। तो हम इसमें चारों तरफ से एक पॉकेट जो हम बनाएंगे इसको पूरी तरह से बंद करने वाले हैं। तो इसको पानी लगा लेते हैं चारों तरफ इसके, ताकि ये अच्छे से बंद हो सके।
बीच में हम स्टफिंग रख देते हैं। और अब हम इस तरह से इसको बंद कर देंगे। तो हमने पानी इसमें लगाया है तो बहुत ही आसानी से ये अच्छे से बंद हो जाएगी। और एक हम फोर्क लेंगे, फोर्क से इसको इस तरह से प्रेस करते हुए बंद कर देंगे तो बहुत ही अच्छे से इस पर डिज़ाइन भी आ जाती है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये पॉकेट। तो देखिए ये जो हमारे पनीर पेटीज के पॉकेट हैं ये बनकर तैयार हैं। अब एक हम ये बेक समोसे स्टाइल में बनाएंगे। तो दोनों कॉर्नर्स पे हम थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं, बीच में स्टफिंग रख देते हैं। और दोनों कॉर्नर्स को इस तरह से मिलाते हुए हम बंद कर देंगे और साइड से इसे खुला ही रहने देंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से हमारा जो पेटी से ये बनकर रेडी है। यहाँ पर हम ओवन को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था फ्रेंड्स 10 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पर। तो इस तरह से इसको गर्म कर लिया है। बेक प्लेट में हम सारे पेटीज रखकर इसको बेक होने के लिए रख देंगे। तो 20 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देते हैं मीडियम फ्लेम पर। ऊपर से इस पर थोड़ा सा ऑयल भी लगाना है फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ी सी मुझसे मिस हो गई थी इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो देखिए फ्रेंड्स 20 मिनट के बाद इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे ताकि दूसरे साइड से भी बहुत ही अच्छे से बेक हो सकें। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली जाली के ऊपर भी बेक कर सकते हैं। तो इसको फिर से कवर करके हम बेक कर लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 15 मिनट बाद देखिए बेक समोसे जो हैं बेक पनीर पफ पेटीज बनकर रेडी हैं। और ये बहुत ही अच्छे से बेक हुए हैं, इसमें बहुत ही अच्छी सी लेयर्स आई हैं। और इसको हमने बाटी वाले ओवन में ही तैयार किया है और ये बिल्कुल बेकरी की तरह ही बने हैं फ्रेंड्स। मैं आपको तोड़कर भी बताती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये और टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं। तो ये रेसिपी में थोड़ी सी टाइम ज़रूर लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन बहुत ही इजीली हम घर पर इसको तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।